हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर हम सोमवार की बात करते हैं, यानी अगर 8 मई की बात की जाए, तो 8 मई के दिन यानी सोमवार के दिन इन सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट मिल सकते हैं। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो शानदार प्रॉफिट मिलने के चांस हैं इन स्टॉक्स में। तो देखिए, कल के लिए मैं 4 नहीं बल्कि 8 स्टॉक्स लेके आया हूँ, जिनमें एवरी स्टॉक्स को आपको ट्रैक करना है, शानदार प्रॉफिट मिलने के चांस हैं इन 8 स्टॉक्स में। तो देखिए, कल के लिए हमारा पहला एंट्री स्टॉक होंगे एनएलसी इंडिया। एनएलसी शेयर पे अगर दिखा जाए तो आप देख सकते हो कि हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है, यानी नीचे की तरफ एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और वही ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको, और प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है स्टॉक, मतलब इस तरफ से मोमेंटम दे रहा है। इसका मतलब देखिए, कल अगर स्टॉक ऐसे गिर जाता है और सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो शानदार सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आप सेल करके यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो। 85 के नीचे चले जाए तो स्टॉक को सेल करना है, टारगेट 84 रुपया, दूसरा गेट 83 रुपया और 86 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे राइज कर जाए तो ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो शानदार राइज करते हुए नज़र आ सकते हैं, तो इसकी तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए। 87 के ऊपर चले जाए तो हम स्टॉक को बाय करेंगे, टारगेट 88 रुपया, दूसरा गेट 89 रुपया और 86 का लेवल पर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो एनएलसी इंडिया हो गया हमारा पहला एंट्री स्टॉक, जिसमें हम कल इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो कल के लिए हमारा दूसरा एंट्री स्टॉक होंगे CDSL। देखिए, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी। आज सेंट्रल डिपॉजिटरी शेयर में दिखा जाए एक रेक्टेंगल के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल का ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं दे पा रहा। मतलब देखिए, रेक्टेंगल बहुत ही शानदार पैटर्न होता है हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर कल स्टॉक ऐसे फॉल कर जाते हैं तो बढ़िया गिरावट हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो सपोर्ट है ये प्रॉपर तरीके से पर रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन मिलेगा हम सेल करेंगे, 988 के नीचे सेल करना है, टारगेट 982, दूसरा अगर 981 एंड 993 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक राइज कर जाते हैं और रेजिस्टेंस ब्रेक करते तो शानदार बाइंग मिल जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल से हमें दोनों तरफ मोमेंटम पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक न्यूट्रल है। 997 के ऊपर चले जाए तो हमें बाय करना है, टारगेट 1002 रुपया, दूसरा गेट 1004 रुपया और 992 का लेवल पे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो CDL हो गया हमारा दूसरा एंट्री स्टॉक। चलिए, कल के लिए हमारा तीसरा एंट्री स्टॉक होंगे JSW स्टील। फिलहाल JSW स्टील शेयर में हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। चलिए, किस तरफ का पैटर्न देखिए, ऊपर की तरफ दिखा जाए यहाँ पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ दिखा जाए प्रॉपर सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि देखिए, स्टॉक अगर इसे फॉल कर जाता है तो बढ़िया गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, तो सेल कर सकते हो आप स्टॉक्स को। तो देखिए, यहाँ पर ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम स्टॉक को सेल करेंगे, 741 के नीचे सेल करना है, टारगेट 727 रुपया, दूसरे का 725 रुपया और 735 का लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉक राइज कर जाए पर रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो शानदार बाइंग मिल जाएगा, तो हम बाई की तरफ जाएंगे, 739 के ऊपर बाई करना है, टारगेट 743 रुपया, दूसरे का 745 रुपया और 735 का लेवल पर आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकती हो। उसके बाद अगला स्टॉक की बात करते हैं तो देखिए, कोयल इंडिया को भी हम कल ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम पैटर्न आप कह सकते हो कि हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न मिल रहा है। देखिए, ऊपर की तरफ प्रॉपर रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ प्रॉपर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी मोमेंटम दोनों तरफ पॉसिबल है, लेकिन बाइंग साइड में ज़्यादा झुका हुआ है। अगर स्टॉक ऐसे राइज करके ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बाई की तरफ जा सकते हो, 238 के ऊपर बाई करना है, टारगेट 240 रुपया, दूसरे 241 रुपया और 237 का लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन अगर स्टॉक ऐसे फॉल कर जाता है और उसी के सपोर्ट ब्रेक करता है, सपोर्ट ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन मिल जाए तो सेलिंग भी मिल सकते हैं, जिसके आप देखिए 237 के नीचे चले जाए तो सेल करना है, टारगेट 234 रुपया, दूसरे 233 रुपया और 238 का लेवल पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। सो कोयल इंडिया हो गया हमारा चौथा एंट्री स्टॉक, और इन 4 स्टॉक के अलावा और 4 स्टॉक मैं आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आज 8 स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए, उसके बाद एमटा टेक्नोलॉजी शेयर को भी ट्रैक करेंगे, यहाँ पर हमें सेलिंग मिल सकती है, बहुत ही शानदार सेलिंग आ सकती है, क्योंकि देखिए नीचे का जो सपोर्ट है ये सपोर्ट पे टिका हुआ है और 1 वीक के टाइम फ्रेम में डबल ट्वीज़र बॉटम में टॉप में फॉर्म किया है, डबल ट्वीज़र मतलब बहुत ही शानदार सेलिंग देखने को मिल सकती है कल। जैसे इस सपोर्ट का यहाँ पर ब्रेकडाउन मिलेगा हम सेल करेंगे, 1848 के नीचे सेल करना है, टारगेट 1838 रुपया, दूसरे का 1835 रुपया और 1858 का लेवल पर स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल तरीके से बाय दे रही हूँ, मतलब अगर बाइंग लेवल आ जाता है यहाँ पर ब्रेकडाउन ना दे पाए, थोड़ा सा राइज कर सके, तो इसके लिए आप बाय की तरफ जा सकते हो। फिलहाल 1870 के ऊपर बाय करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप देखिएगा। चलिए, अगला स्टॉक की बात करते हैं तो होंगे हमारा HDFC AMC। फिलहाल यहाँ पर हमें राइजिंग वेव्स का पैटर्न मिल रहा है, कुछ इस तरफ से मोमेंटम दे रहा है, मतलब ऊपर के लेवल ब्रेक करे तो बाई कीजिएगा, नीचे का सपोर्ट ब्रेक करे तो सेल कीजिएगा। फिलहाल सारे लेवल आपके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद आप बर्जर फ्रेंड्स को भी ट्रेक करिएगा, बर्जर फ्रेंड्स को हम सिर्फ सेल के लिए देखेंगे, क्योंकि बर्जर फ्रेंड्स में दिखा जाए डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म किया है
और डबल टॉप का पैटर्न भी बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब ये जो नेक लाइन है या तो आप सपोर्ट कह सकते हो, इसका ब्रेकडाउन मिले तो शानदार सेलिंग देखने को मिल जाएगा और इसका 90% चांस है कल ब्रेकडाउन देने की। तो ऑब्वियसली सेल की तरफ जा सकते हो, इससे ब्रेकडाउन मिलेगा 614 के नीचे सेल कीजिएगा, टारगेट 611, दूसरा 610 और 617 पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो आप। और हमारा आखिरी इंटर स्टॉक होंगे कल के लिए डिवीस लेबोरेटरी। हाँ देखिए, डिवीस लैब पे हमें राइजिंग और इसका पैटर्न मिल रहा है, ऊपर सेंट्री लेने के बाद कुछ इस तरफ से मोमेंटम दे रहा है स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो इसलिए मैं सेलिंग का लेवल ही आपको दे रही हूँ। बाय का लेवल है तो आपको छोड़ देना है, एंट्री नहीं लेना है। स्टॉक अगर यहाँ पर गिरावट देता है तो 32.75 के नीचे सेल कर कीजिएगा आप, टारगेट 3288 रुपये, दूसरे 3291 रुपये और 3252 का लेवल पर यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो चलिए अब हमें देख लेते हैं कि पिछला वीडियो में जो स्टॉक दिया था फ्राइडे की सेशन को ट्रेडिंग के लिए किस तरह से परफॉर्म किया है। चलिए, पिछला वीडियो में पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था लुपिन का शेयर पे दिखा जाए, हमें अपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक सपोर्ट यहाँ पर था। तो देखिए यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिला था, जैसे ब्रेकडाउन मिला था अगर आपने यहाँ पर सेल किया होगा शानदार प्रॉफिट मिला होगा। मैंने आपको जो जैसे लेवल बताया वैसे गया और हमारा पहला टारगेट हिट हुआ, लेकिन दूसरा टारगेट भी हिट हुआ, लेकिन ये 3 बजे के बाद जब इंटर टाइम खत्म हुआ, लेकिन एंट्री होगा तो शानदार प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिल चुका होगा। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था मरीको का शेयर को हम सिर्फ सेल के लिए दिया था, ऑप्शनल की तरफ से बाय की लेवल दिया था क्योंकि स्टॉक ने डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म किया था। जैसे ब्रेकडाउन मिला था सेल किया होगा, यहाँ पर भी कवर मिला होगा क्योंकि सेलिंग लेवल यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आया था। मैं आपको 496 दिया था, लेकिन 496 पे ये सेलिंग लेवल निकल कर आया था। एंट्री लिया होगा तो यहाँ पर भी दोनों टारगेट मिल चुका होगा आपको। तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था एल्काइल अमाइंस, फिलहाल एल्काइल अमाइंस में हम सेल के लिए दिया था, लेकिन स्टॉक उतना अच्छा मोमेंटम दिया नहीं यहाँ पर। उसके बाद दिया था ओवरऑल रियलिटी भी दिखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। पहले तो देखिए बाइंग मतलब ऊपर की ब्रेकआउट है तो शानदार ब्रेकआउट आता है, लेकिन उसके बाद स्टॉक थोड़ा सा बदमाशी। आप देख सकते हो कि अगर पहले कैंडल से एंट्री लिया होगा तो प्रॉफिट में होंगे, अदरवाइज अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया होगा तो आपको तो लॉस में जाएगा। लेकिन देखिए एक मौका आपको यहाँ पर दिया था बाय ऑन डीप का, जैसे बाय यहाँ पर नीचे आया था, यहाँ पर एंट्री लिया होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिला होगा। फर्स्ट टारगेट तक गया था, उसके बाद फिर फॉल कर गया।